नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार। महिलाओं के उड़ने का आकाश अब और भी बड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने उन लड़कियों को, उन महिलाओं को जो एनडीए में जाना चाहती हैं, सेना में जाना चाहती हैं और एनडीए के प्रवेश परीक्षा में शामिल होना चाहती हैं, उसका रास्ता खुल गया है। जबकि पहले एनडीए में महिलाओं के प्रवेश का रास्ता बंद था। ये दूसरी बात है कि 12वीं पास अविवाहित पुरुष उम्मीदवार उसमें जा सकता था, लेकिन उसी कैटेगरी की अविवाहित 12वीं पास लड़कियों को प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। इस मामले को लेकर कुश कालरा नामक एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया था और उन्होंने मांग की थी कि एनडीए में भी, एनडीए की प्रवेश परीक्षा में भी महिलाओं को शामिल होने की इजाज़त दी जाए। इसको लेकर काफ़ी बहस हुआ और इस बहस में सेना की ओर से ये कहा गया कि ये एक पॉलिसी डिसीजन है, जिस पर विद्वान न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा कि अगर ये पॉलिसी डिसीजन है तो पक्षपातपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि अब महिलाएं भी एनडीए प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकती हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश राय के खंडपीठ ने सुनवाई की और उन्होंने ये जजमेंट दिया है। इसको लेकर याचिकाकर्ता के जो वकील थे वो हैं चिन्मय प्रदीप शर्मा, मोहित पाल, सुनैना और इरफान हसीब। इन्होंने बहस की और उसके बाद जज ने, न्यायाधीश महोदय ने ये जजमेंट दिया है। अब महिलाएं भी एनडीए के प्रवेश परीक्षा में और जल सेना के प्रवेश परीक्षा में भी भाग ले सकेंगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए कि 7 दिसंबर 1954 को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी को बनाया गया था, का गठन हुआ था और उस समय इसके कमांडेंट एयर मार्शल जसजीत सिंह थे। मतलब 1954 से ये पक्षपातपूर्ण जो डिसीजन था उसके चलते महिलाएं इसमें शामिल नहीं हो सकती थी। लेकिन एक लंबे समय के बाद जब कुश कालरा ने ये याचिका दायर किया, उसके बाद लंबी सुनवाई के बाद यह तय हुआ और कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी। तो कहने का मतलब है कि अब उड़ान भरने के लिए आकाश में जो बंदिशें थी वो बंदिशें हटा ली गई। अब महिलाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए के माध्यम से सेना में, फौज में आ सकेंगी। और ये इसी 5 सितंबर को जो एनडीए का एग्ज़ाम होने वाला है, कि प्रवेश परीक्षा होने वाली है, उसी वहीं से लागू हो जाएगा। मतलब इस बार भी जो एनडीए का प्रवेश परीक्षा होना है उसमें महिलाएं शामिल हो सकेंगी। तो निश्चित रूप से देश की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक रास्ता खुला है और इसके लिए कोर्ट को साधुवाद चारों तरफ से मिल रहा है, चारों तरफ से बधाइयाँ मिल रही हैं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला किया जिसने महिलाओं के भविष्य पर लगे बंदिश को तोड़ दिया। तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।